पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है 5 अक्टूबर को आपके खाते में पहुंच जाएगा। और दोस्तों जिन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल हो गया है, हाल फिलहाल में अप्रूवल मिल गया है और उनका स्टेटस भी चेक हो रहा है, तो उन किसान भाई को यहां पे कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यहां पे दोस्तों जो 18वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आपका जो EKYC है वो कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यदि आपका EKYC कंप्लीट नहीं है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। हम आगे वीडियो में बताते हैं कि आपका EKYC कंप्लीट है या नहीं है। कुछ किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म भी अप्रूवल हो गया है और इनका स्टेटस भी यहाँ पे चेक हो रहा है, तो इन किसान भाई का हम स्टेटस को यहाँ से लॉगिन करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने एक किसान भाई का स्टेटस यहाँ से लॉगिन कर लिया है। इनका जो अप्रूवल डेट है 21/9/2024 है। इनका फॉर्म 9वें महीना में अप्रूवल हो गया है, यानी कि अब जो पैसा 5 अक्टूबर को पड़ेगा, तो यानी कि इन जो किसान भाई का 15 दिन का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, ऐसे किसान भाई का एलिजिबिलिटी में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे किसान भाई का एलिजिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो 18वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एलिजिबिलिटी की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा लैंड शीटिंग का सत्यापन होता है तभी पैसा मिलता है, EKYC का सत्यापन होता है तभी पैसा मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपका EKYC स्टेटस है वो यस आ रहा है और पीएम किसान पोर्टल पे बताया भी गया है EKYC जो है कंपल्सरी कर दिया गया है। आपका EKYC कंप्लीट होगा तभी पैसा मिलेगा। आपका EKYC कंप्लीट है, आधार कार्ड शीटिंग यस है, लैंड शीटिंग ओके है। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जो मोड है वहाँ पे लेबल शो हो रहा है, पेमेंट स्टेटस में खाली आ रहा है। काफी किसान भाई लेबल की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जो लेबल आ रहा है वो नए किसान भाई को यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपका यह लेबल का जो समस्या है, पीएम किसान सम्मान निधि पेमेंट आने से पहले 24 घंटे पहले या 72 घंटे पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले आपका यहां से हट जाएगा, आपका यहां पे FTO US आ जाएगा। जिस दिन आपका FTO US आ जाए तो सोच लेना कि हमारा सिग्नेचर बन गया है, हमें 18वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे पैसा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे फेल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपको यहाँ पे डॉट डॉट बन के आना चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, जैसा कि इन किसान भाई को जो स्टेटस है 2021 में फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ किसान भाई ने 22 का किया, कुछ किसान भाई ने 19 का किया, अब उनका फॉर्म जो अप्रूवल हुआ है इसी डेट में अप्रूवल हुआ है, 9वें महीने में अप्रूवल हो गया है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट का ओनली पैसा मिलेगा, यानी कि उन किसान भाई को 2000 रुपये की किस्त मिलेगी। यदि उन किसान भाई का जो फॉर्म है अप्रूवल 2 महीने या 3 महीने पहले अप्रूवल हो गया था, अभी तक उन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 4000 रुपये की किस्त मिल जाती है। कुछ किसान भाई का फॉर्म जनवरी या फरवरी में वेरीफाई हो गया था, चाहे आधार कार्ड शीटिंग की वजह से पैसा स्टॉप हो, चाहे EKYC की वजह से हो, चाहे लैंड शीटिंग की वजह से पेमेंट स्टॉप हो, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 6000 रुपये की किस्त मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों अपना जो EKYC है वो आप कंप्लीट रखें और जो आपका जो पैसा पड़ेगा वो 5 अक्टूबर को आपके खाते में पड़ जाएगा, उससे पहले आपका FTO प्रोसेस यस हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा। दोस्तों जो पुराने किसान भाई हैं या नए किसान भाई हैं सभी को 5 अक्टूबर को यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।